के द्वारा जो उसकी शक्ति खर्च हो जाती थी व्यर्थ की, अब हम पूछोगे तुम भाई व्यर्थ क्यों खर्चा होता है, हम तो आंख से देखते हैं तो व्यर्थ से होता है। बहुत से ऐसी बातें वहां दृश्य होते जो कि हमको जरूरत नहीं देखने का, हम देखते हैं आंख की आंख को लो पहले। सबसे ज्यादा ऊर्जा की शक्ति खर्च होती है ऊर्जा, प्राण की ऊर्जा, और कोई ऊर्जा अब शरीर की ऊर्जा नहीं, सेवा की जरूरत है आपके मन के, आपके किसी अन्य ऊर्जा से हमारे यहाँ संबंध नहीं है। बात हमारा बात है आत्मा की ऊर्जा। अब इसको चार्ज किया, कहीं से ऊर्जा लिया आपने एक लिमिट में, उसमें तो बहुत ज्यादा ऐसा हजारों कर सकता है। शरीर है शरीर जितना चाहिए उसको ऊर्जा मिल जाए, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा होगा तो विस्फोट हो जाएगा। आत्मा की जो ऊर्जा होती है वो व्यय होती है मन के माध्यम से। ऊर्जा आपने ले लिया लिमिट वो व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, उतना ही खर्च हो रहा है। तो शरीर जितना ऊर्जा लेता है सीमा में दौड़ धूप करके इधर उधर घूम फिर के सब खर्चा करता है, मन भी ऊर्जा ग्रहण करता है आत्मा से, वो भी उस व्यय कर देता है। वो जो व्यय करता है चिंतियों द्वारा व्यय करता है, उसमें 75% या 80% ऊर्जा जो है आत्मा की ऊर्जा मन के द्वारा व्यर्थ का होता है। और ये व्यर्थ का जो ऊर्जा नष्ट हो जाती है इसका ये परिणाम होता जाता है कि हम बहुत थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। बहुत जल्दी टेंशन हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो खत्म होती है तो आपके आंख से खत्म होती है, आंख से खत्म होती है। आंख से खत्म होती नेत्र सबसे बड़ा ऐसा चीज है कि सूक्ष्म शरीर का एक खिड़की है, ये समझ गए। तो नेत्र सबसे ज्यादा अपव्यय होता है नेत्र द्वारा। हम बहुत ऐसे दृश्य हैं जिसको हम नहीं चाहते देखना देख लेते हैं, और जो चाहने वाला दृश्य है उसको देखते हैं। हम रास्ते से गुजरते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर अचानक नजर पड़ती रहती है, हम देखते रहते हैं, है ना? आपके अनुकूल नहीं है, उसको देखना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं आंख खुली है देखते हैं, यहाँ ये मत सामान रखा ये सामान रखा देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, निरर्थक देख रहे हैं, सामने है तो दिखाई पड़ेगा, तो हम इससे कैसे बचें? हमको बचना चाहिए ना, मुर्दा व्यय हो रही ना, हम नेत्र बंद करके बैठे हैं। क्या है हम देखते हो उसको ना देखें, ये कैसे संभव होगा? सामने चीज पड़ा हुआ है, मन वहां सटा दीजिए। आप कभी क्या करते हैं भाई, मैं तो कुछ सुन रहा था इसे देख नहीं पाया, क्योंकि मन एक ही इंद्रिय पर एक टाइम काम करता है, दो इंद्रियों के साथ काम नहीं करता। आंख से देखेगा तो आंख से देखेगा, कान से नहीं सुनेगा। बहुत सी बातें बहुत से सुनी है आपने, निरर्थक बातें बहुत सुनी, अच्छी बातें तो कम सुनते हैं, निरर्थक बातें ज्यादा सुनते हैं, गाली गलौज की बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं, बदमाशीपन की बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं, नहीं? कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई बातें होती है, समाचार ज्यादा सुनते हैं, फिर रेप हो जाता है उसकी बड़ा चाव से देखते हैं सुनते हैं, टीवी में कोई समाचार आ रहा है सारे लोग दुर्घटना हुई भयंकर आ रही थे लोग मरे ये मरे हुआ सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं, क्या आवश्यकता है?
देखने से क्या उसका सामने क्या क्या फायदा हो जाए। इस प्रकार से हम बहुत से इंद्रियों के द्वारा अपव्यय कर देते हैं अपने मन की शक्ति को। योग का मतलब है हम इसकी रक्षा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करेंगे इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों से हम काम ही नहीं लेंगे। हम इंद्रियों से काम ही नहीं लेंगे भाई, जेवा में जा रहा है चाहे क्योंकि स्वाद नहीं लग रहा है, हम कहीं और हैं, हम कहीं और हैं। अब मुझे कहाँ है कहीं है, बोलिए। इतना बोल दिया क्या मिला, दुनिया भर के जब चीज पैदा होते तो बोल ही तो रहे हैं, क्या फायदा हुआ हमको, जैसे पैदा होते देख के रहे क्या क्या मिला है ना। ये चीजें हैं कि जब ऐसे हम इंद्रिया की अवस्था हो जाती है, जब इंद्रियों से काम न लेना ही इंद्रिया की अवस्था है मन की, हम इंद्रियों से काम नहीं लेंगे। इंद्रियों का जो है गान का भोजन है सुनना, कान का सुनना नहीं सुनेंगे, उसका भोजन सुनना है, हम भोजन नहीं देंगे उसको, हम सुनेंगे नहीं। वो लड़की क्या बोल गई मेरे भाई, समझे ना, हम देखते भी नहीं देखेंगे, बहुत से साइन बोर्ड नहीं पढ़ेंगे हम, क्या जो साइन बोर्ड पढ़ने में। आजकल वैज्ञानिकों लोग चाणाक्य लोग करते हैं साइन बोर्ड के ऊपर बल्ब लगा देंगे बुल्कुल बुल्कुल करने के, ताकि आप ध्यान आकर्षित हो जाए, बढ़ेगा बचेगा बढ़ेगा बचेगा तारे। जब यह हो जाएगा तो मन ही इंद्रियों का काम करने लगेगा, पुस्तक में विषय यही है। जब मन इंद्रियों के माध्यम से नहीं काम करेगा तो स्वयं सुनेगा, स्वयं देखेगा, स्वयं बोलेगा, उसका देखना, उसको मन के द्वारा देखना और आंख के द्वारा देखना एक बड़ा फर्क है। मन जब आंख के द्वारा देखता है तो एक सीमा में जाता है, सीमा बना रहता है, आंख कहाँ तक देखेंगे आप, कितना दूर तक देखेंगे आप, उसके बाद कहाँ तक सुनेंगे आप, मील दो मील, कितना चिल्लाएं बोलेंगे, सीमा है ना। परंतु जब मन वही काम करने लग जाएगा, देखने लग जाएगा, सुनने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा, उसको कहते हैं दूरदर्शी, दूरदर्शन, दूर का दृश्य देख लेगा वो हजारों मील का, वो मन देख रहा है, आंख नहीं देख रहा है, आंख का लेंस का सीमा है। कान से जो सुनेगा तो दूर श्रवण है, चारों मील की बातें सुन लेगा वो, दूर बोध, जो मन विचार करेगा कि मन के बारे में जानूं, उसका ज्ञान बोध प्राप्त हो, बोध हो जाएगा। दूरदर्शन हम देखना चाहते हैं और क्या करें, हमारी यही दृष्टि नहीं मन की दृष्टि वहां पहुंच जाएगी, मन उसको कवरेज करेगा, कवरेज करके प्रशांति भूमि दृष्टि निकालेगा। प्रशांति का है यह बड़ा प्रशांति ही है, प्रशांति मैंने देखना। तो जब ये जो मन की अवस्था आ जाती है, ये अवस्था इंद्रियातीत अवस्था इसको कहते हैं। मन की कौन अवस्था ये है, इंद्रियातीत अवस्था, समझे ना। तो मन इंद्रियातीत अवस्था, इसके बाद मनसातीत अवस्था। मनसातीत अवस्था होता कि मन से भी परे हो गए हम लोग। जब मनसातीत अवस्था आती है, जब इंद्रियों से हम अलग हो जाते हैं, मन अलग हो जाता है, तो जो अवस्था होता है
वो अवस्था इंद्रियातीत अवस्था, इंद्रियों से अतीत हो गए। फिर सेकंड पीरियड में आते हैं हम मनसातीत अवस्था में। मनसातीत अवस्था के अंदर में आ जाने से हम जो चाहे सो सृष्टि कर सकते हैं मन से, मनोराज्य में। जब तक मन इंद्रियों से काम लेता है उसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, काम करने बना, घर बनाने में, दीवार बनाने में, किताब पढ़ने लिखने में। मन ही काम कर रहा है भाई, इंद्रियों द्वारा कर रहा है। जब इंद्रियातीत अवस्था हो जाएगी तो मन जो वाणी बोलेगा वो सिद्ध वाणी हो जाएगी, निश्चित होगा वो। तब जब जिह्वा हिलेगी तो मन हिलेगा, नहीं समझे? जिह्वा नहीं, मन बोलेगा, हाँ हो जाएगा। इस अवस्था में ऐसा हुआ था, हाँ मन बोल रहा है। इस अवस्था में हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, मन बोल रहा है, वाणी नहीं बोल रही। इस अवस्था में जो है अवस्था, ये मनोराज्य की अवस्था है, ये अवस्था में मन मनोमय जगत में काम करता है। जिस तरह आपके स्थूल जगत में आप सृष्टि कर लेते हैं, ये प्रकार से मन की सृष्टि है। हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, बल्कि कर्म के द्वारा करते हैं, समय लगता है। तो वो जो है मनसातीत अवस्था, कालातीत अवस्था भी है। मनसातीत अवस्था, कालातीत अवस्था, नहीं समझे? जब मनसातीत अवस्था में आप आ जाएंगे तो मनोजो सृष्टि कर लेंगे, जैसा मैं कर लेता हूं। बाहरी कर्म कुछ नहीं करता, ना पूजा ना पाठ है, कुछ माला ला रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, हमसे कोई मतलब उससे नहीं। क्यों? अपना मंदिर बना लिया, काली जी का मंदिर स्थापित कर लिया। आई नहीं नीतू अभी, नीतू क्या है? लिखा है ना, मंदिर बना लिया। कब? ठीक अवस्था, हम मंदिर बढ़िया, मंदिर निर्माण कर लिया, बढ़िया बाग बगीचा बना लिया हमारा है। आंख बंद किए सिस्टम चले गए, खूब माँ का दर्शन किया, पूजन किया, पाठ किया, बगीचा हम घूमे, सरोवर है, तारा है, बगीचा है, बाग, और भी लोग हैं मेरी तरह वहाँ बैठे हैं, झूठे लगा लगा। तू जो आनंद मिलेगा तू मन को आनंद मिलेगा, इंद्रियों के द्वारा आनंद नहीं मिलेगा। इंद्रियों के मीडियम से माध्यम मिलेगा, मार्ग मिलेगा, वो आनंद नहीं होता है। ये तो टुकड़ा भर होता है, झलक होती है। इंद्रियों में जितनी शक्ति उतनी पकड़ लाएगा, इंद्रियों में जितनी शक्ति होगी, सीमा उसकी होगी, उतने ना मन काम करेगा, ज्यादा काम नहीं करेगा। जब इंद्रियों की सीमा से परे हो जाएगा मन, तो अपने मन का स्वतंत्र हो जाएगा वो, तो उसका स्वयं शक्ति होता है, दूसरा सृष्टि कर सकता है। उस अवस्था में मनोराज्य से जो संबंध, दैवी संबंध है, मनोलोक, इतने लोग हैं, संबंध प्राप्त करने जाएगा।